बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत जोर से हमारी बहुत प्यारा बारिश हो रही है काफी देर बाद। What's up everybody, welcome back to another vlog. This is Naughty here. और भोपाल में काफ़ी बारिश हो रही है, शाम का वक्त है, करीब 6:30 बज रहे हैं और बहुत ज़ोर की बारिश हुई इधर पे। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों का फ़ोन भी आ रहा था मिलने के लिए। मैंने कहा चलो साथ ही चलते हैं सब। एंड मैनी ऑफ यू गाइज आर कंप्लेनिंग अबाउट माई ऑडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, एंड इट्स नॉट बैड, इट्स वर्स्ट एक्चुअली। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं जब शूट करके आता हूँ और फिर देखता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी इतनी ख़राब है और मेरा पूरा वीडियो वेस्ट हो जाए, मैं सोचता हूँ कि चलो अपलोड ही कर देते हैं यार, क्या करें, थोड़ा बहुत बेयर करना पड़ता है। बट द थिंग इज़ कि यार इसके पीछे मैं रीज़न नहीं हूँ, इसके पीछे रीज़न है रिलायंस डिजिटल DV मॉल भोपाल। कैसे, थोड़ी देर में बताता हूँ। और मानसून को आने में भी टाइम है मेरे भाई, ये तो बस हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। अभी बारिश कहाँ होगी यार, कहाँ होगी, अभी तो काफ़ी दूर है, दिल्ली बहुत दूर है मेरे भाई। चलो कोई बात नहीं। हाँ तो मैं बताता हूँ रिलायंस डिजिटल का खेल। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोचा था, तो मैंने सोचा था कि मैं GoPro ही खरीदूंगा और कोई दूसरा कैमरा नहीं लूंगा। सो आई गो टू DV मॉल एंड आई वांट टू बाय अ GoPro हीरो 5 ब्लैक एडिशन विच कॉस्ट मे अराउंड 24,000 to 22,000। आई एम लाइक ओके ठीक है, मैं इसे दे दूंगा। बट द थिंग इज़ कि मैं जब वहाँ पहुँचा, वहाँ पे एक हीरो 7 सिल्वर रखा हुआ था एंड द गाइज हुज अटेंडिंग मी ही आस्क्ड मी टू गो फॉर GoPro हीरो 7 सिल्वर, दिस इज़ द सिल्वर वेरियंट। तो आई एम लाइक ठीक है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो उन्होंने बोला कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 7 इज़ द लेटेस्ट मॉडल, यू कैन अपडेट, यू कैन मतलब फर्मवेयर अपडेट वगैरह हो जाता है, सारी चीज़ें बेटर हो जाती है, बेटर क्वालिटी, बेटर स्टेबलाइजेशन, बेटर स्मूथ वीडियो। आई एम लाइक ठीक है यार, ये ज़्यादा बेटर है। द टाइम व्हेन आई आस्क कि व्हाट अबाउट माइक, तो ही सेज कि वी डोंट हैव माइक एक्चुअली। सो ही सेड कि वी डोंट हैव माइक एक्चुअली, यू हैव टू आउटसोर्स इट फ्रॉम अनदर ऑनलाइन ऑप्शंस समथिंग लाइक दैट। सो आई एम लाइक ओके ठीक है, मैं वो भी मंगा लूँगा, क्योंकि इसमें माइक डायरेक्टली नहीं लगता है। आई एम लाइक ठीक है चलो, माइक अडॉप्टर आता है GoPro के लिए। तो व्हेन आई डोंट हैव मनी एट दैट टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा और सेव करते, क्योंकि मेरी जितनी भी सेविंग्स थी ना, मैंने मतलब 4-5 महीने से मैं पैसे जमा कर रहा था इस GoPro के लिए, तो मैंने पैसे जमा किए और मैंने सारे पैसे इसमें लगा दिए थे। तो फिर उसके बाद मैं माइक को जब मंगाने की बारी आई, तो मैंने कहा कि अब मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मैं थोड़ा और सेव करूँगा। तो मैं सेव किया विच कॉस्ट मी अराउंड 5,490, 5,500 का माइक अडॉप्टर आता है और माइक अलग से 1,000 रुपीज़ का आता है। मैंने कहा ठीक है चलो इसे सेव करते हैं थोड़ा बहुत पैसे और फिर उसको मंगाएंगे। तो जब मेरे पास पैसे आए, मैंने उसे ऑनलाइन ऑर्डर किया, फिर जब वो मेरे घर पर आया, इन सारे प्रोसीजर में वो 2 महीने लग गए थे, मैं 2 महीने तक बाहर था, 1 महीने से बाहर था। फिर जब आया तो मैंने पैसे जमा किए और फिर मैंने माइक ऑर्डर किया। जब मैंने माइक ऑर्डर किया और मैंने माइक लगाया और जब मैंने ऑडियो चेक किया, तो इसमें ऑडियो आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कैमरे में प्रॉब्लम हो गई, अपन फिर से चेक करते हैं। मैंने 10 बार ही वही चीज़ की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। मेरे को लगा मेरा कैमरा ख़राब है या तो ये GoPro का अडॉप्टर दूसरा आ गया। तो मैंने उसे रिटर्न किया, मैंने कहा मेरे को दूसरा चाहिए, तो उन्होंने फिर दूसरा भेजा मुझे। उसमें दूसरे 10 दिन लग गए, क्योंकि पहला अडॉप्टर आने में 10 दिन लगा, फिर जब रिफंड वगैरह डालो उन सब, आप लोगों को तो पता होगा ऑनलाइन प्रोसीजर क्या होता है। फिर दूसरा मंगाया, दूसरा है सेम प्रॉब्लम, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं बहुत इरिटेट हो गया था, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि अब मैं करूँ क्या, बिना ऑडियो क्वालिटी के कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं। सो मैंने कहा कि ठीक है चलो रिलायंस डिजिटल चलते हैं। मैं गया वहाँ पर और उन लोगों का भाई, उन लोगों का रिएक्शंस, मतलब कि उन लोगों ने बोला कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था कि बाहर से माइक लेना पड़ेगा, माइक इसमें लगेगा, क्योंकि मैंने रिसर्च की थोड़ी बहुत, तो मेरे को पता चला GoPro हीरो 7 सिल्वर में माइक सपोर्ट ही नहीं करता, एक्सटर्नल माइक कंपैटिबल ही नहीं है। आई एम लाइक क्या बोलूँ यार, मेरे ज़मीन पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी, सारी चीज़ें ख़राब होती दिख रही थी मुझे, मेरे पैसे डूबते हुए दिख रहे थे। मैंने कहा यार हो गया, सब चीज़ें बर्बाद हो गई, अब ये कैमरे से मैं खेलूँ क्या, मेरे खेलने लायक भी नहीं बचा था ये कैमरा। फिर मैंने कहा यार काम तो स्टार्ट करना पड़ेगा चाहे जैसे, इसलिए ऑडियो क्वालिटी इतनी ख़राब आती, क्योंकि मैं हेडफोन यूज़ करता हूँ
और अलग से मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट करके ठीक कर देता हूँ। तो सॉरी फॉर बैड ऑडियो, लेकिन अब क्या करूँ यार, अब यही करना पड़ रहा है मेरे को, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैंने माइक लगा के देख लिया, माइक में रुई गद्दे जो जो ठूस के आवाज़ सुधारने की कोशिश कर सकता था, मैंने सारी चीज़ें कर ली, मेरे को कुछ समझ में नहीं और कुछ नहीं हो रहा है यार। तो आई एम सॉरी, लेकिन यही है मेरे पास ऑप्शन, अब कुछ कर नहीं सकता मैं। कुछ वीडियोस में वॉइस ओवर कर लेता हूँ, कुछ वीडियोस को नॉर्मली अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि यार कुछ समझ नहीं आता ना, वॉइस ओवर में उतनी वो अच्छी चीज़ें नहीं आ पाती जो जो मैं रास्ते में चलते वक्त बात करता हूँ। तब क्या करो यार, थोड़ा तो मैं खुद इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। और मैं फिर से पैसे जमा करने लग गया हूँ हीरो 7 ब्लैक के लिए, ताकि उसमें माइक सपोर्ट करे और फिर मैं बेटर तब कर पाऊँ, ताकि तब तक के लिए यार मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये थी माइक की कहानी। अब बारी गर्द आती है रिलायंस डिजिटल भोपाल की। वो इतना घटिया स्टोर है, आफ्टर सेल सर्विस इतनी बेकार इतनी बेकार इतनी बेकार कि क्या बताऊँ। जब आप सामान लेने जाओगे ना, तो वो लोग आपको अप्रोच करेंगे कि भैया आप ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, यहाँ पे ये ऑप्शन है, वहाँ पे ये। बट द थिंग इज एट द टाइम जब आप बाय कर लो, उसके दो दिन बाद जाओ सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस के लिए, भैया घंटा कोई पूछता तक नहीं है, कि पहचानते नहीं है, क्योंकि तुम हो कौन। क्योंकि मैं गया था वहाँ पर, जिस बंदे ने मेरे को बोला था कि माइक बाहर से सोर्स करना पड़ेगा, वो बंदा मुकर गया, कहता कि मैंने ये बोला ही नहीं कि इसमें माइक सपोर्ट करता है या नहीं करता है। हम लाइक भाई मैं चूतिया देखता हूँ क्या तेरे को, तूने बोला तब तो मैं लिया, वरना मैं तो ब्लैक लेने आया था, मैं क्यों लेता ये, मेरे को पता होता तो मैं क्यों लेता, मैं तो तुमसे गाइडेंस मांग रहा हूँ। और भाई इतने हाईली अनप्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे, प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती चिपका रहे हर इंसान को आपकी आफ्टर सेल सर्विस के। मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स दिखाता हूँ, आप उस देखोगे आपको बिलीव नहीं होगा। और बिलीव मी गाइज, रिलायंस डिजिटल से कुछ मत लो, बेटर है आप किसी दूसरी शॉप से ले लो, एटलीस्ट वो आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, आपकी चीज़ें ख़राब होगी तो रिफंड होगी या फिर चीज़ें सही होगी या फिर कुछ तो होगा, कोई तो रिजल्ट निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई सोल्यूशन ही नहीं है मेरे भाई, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आ गया अपने चाय पी लिए, बारिश अभी रुकी है, अभी फटाक से घर निकलते हैं, घर पहुंचते हैं। और फिर बारिश बहुत हो रही है तो मैं अलग से माइक लगा नहीं पाऊंगा, बिकॉज मोबाइल गीला हो जाएगा, तो मोबाइल मैंने रख दिया बैग में और वी आर गुड टू गो, बाय। तो घर के लिए निकल गए हैं, बारिश रुकी हुई है और मेरे को लग रहा है बस जैसे तैसे घर पहुँच जाओ यार, क्योंकि वरना फिर और लेट होता जाएगा और प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। स्विमिंग पूल बन गया, यहाँ काफ़ी बारिश हुई है लग रहा है, देखो तीसरा स्विमिंग पूल। तो यार स्विमिंग पूल में डुबकियाँ लगाते हुए गोते खाते हुए हम पहुँच गए अपने घर तक, और घर आ गए कि अब वीडियो क्लोज होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीग गया हूँ मैं। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, कीप सपोर्टिंग।